नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ अमन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और ये आयोजन 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मनाया जाता है। इधर सरकार बदलने के साथ ही इस बार अटल बिहारी वाजपेयी के इस कार्यक्रम पर संशय बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस कार्यक्रम को मनाने का आदेश दिया है। इस पर बीजेपी का कहना है कि ये एक अच्छी पहल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 22 और 23 दिसंबर को बैठक होने जा रही है। बैठक में संभाग स्तर और पार्टी एवं मोर्चा के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक के बारे में बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। महापौर आलोक शर्मा भोपाल के कोलार क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कोलार की कई कॉलोनियां गली मोहल्ले का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने क्षेत्र में गंदगी और अर्थव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। एचओ एक स्पॉट फाइन करिए, 2000 रुपए का स्पॉट फाइन करिए। ये पारी नहीं करेंगे आप इस प्रकार से। क्या गंदगी बचा के रखी हुई है आप लोगों ने? सड़क जनता के लिए है कि नहीं? आप भी क्या है कि आप होटल चलाएंगे तो वहाँ पर नहीं पिलाएंगे? बहस नहीं करना है, जुर्माना करिए 2000 रुपए। राजधानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आभार यात्रा निकाली और नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। यात्रा न्यू मार्केट से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों तक पहुंची। इस दौरान पीसी शर्मा का नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उत्तराखंड के बांसवाड़ा में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां चट्टान से गिरे मलबे के नीचे दबकर 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर मलबे में दब गए, जिसके मौके पर पहुंचे बचाव दल ने मलबे से बाहर निकालने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि यहां पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था, काम के दौरान ये हादसा हुआ। मंडीदीप में किसानों ने धान का उचित दाम नहीं मिलने से किसानों ने हंगामा कर दिया और रोड पर जाम लगा दिया। घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन के ढीले ढाले रवैये के कारण घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। आपको बता दें कि इससे पहले भी किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। जेल से आने के बाद सागर के सुर्खी में भाजपा नेता सुधीर यादव ने विवादित बयान दिया है। एट्रोसिटी एक्ट के मामले में एक दिन जेल में रहने के बाद यादव ने कहा कि मेरे साथ भाजपा नेताओं ने गद्दारी की है, उनको सजा या मौत मिलना चाहिए। वहीं कैदियों की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि कैदियों की जेल में बहुत बुरी हालत है, जिनकी समस्या के लिए यादव लड़ाई लड़ेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।